कर लेते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ। इसको हम रखेंगे बैकग्राउंड में। सेंटर में करने के लिए अलाइन पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट के टैब पर राइट साइड में अलाइन का बटन मिल जाएगा। अलाइन पर क्लिक करेंगे, अलाइन सेंटर, तो लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, एक बार और दिखाता हूँ। इसको मैंने राइट में रखा, अलाइन सेंटर करेंगे, लेफ्ट राइट से सेंटर में आ जाएगा। फिर से अलाइन पर जाएंगे, अलाइन मिडल कर देंगे, तो ये चारों तरफ से सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, ये हम बैकग्राउंड के लिए सेट करेंगे। इसका कलर जो है चेंज करेंगे, शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे टेक्सचर। तो मैं ये वाला टेक्सचर ले लेता हूँ और इसकी आउटलाइन को जो है निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बॉक्स करेंगे ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ से ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल। अब इसमें हम बनाएंगे अपनी गाइडलाइन। जो हमने गाइडलाइन साइज़ देखी थी, उस साइज़ हम यहाँ पे दे देंगे। इसका शेप फिल निकाल देते हैं, नो फिल, खाली आउटलाइन रखते हैं। इसका शेप आउटलाइन जो है रेड कलर रखता हूँ, ये कटिंग मार्क हमारा होगा। इसकी साइज़ हमको देनी है 54 mm। इंटर, यह है हाइट हो गया, और 92 mm विड्थ। इंटर, और सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे सेलेक्ट, अलाइन पर करेंगे क्लिक, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। ठीक है, तो ये चारों तरफ से हो जाएगा सेंटर में। अब इसकी हम एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका साइज हम देंगे अपना सेफ जोन का साइज। तो इसकी हाइट है 48 mm। mm लिखना मत भूलिए, अगर आप mm नहीं लिखोगे तो साइज जो है इंच में बन जाएगी, और जो कि बहुत बड़ी साइज बन जाएगी, काफ़ी दिक्कत होगी आपको। तो mm, एंटर, यह हाइट हो गया, और 86 mm, एंटर। फिर से सेंटर में लाने के लिए अलाइन पर क्लिक करेंगे, अलाइन सेंटर, अलाइन मिडल। ठीक है, ये सेंटर में आ गया है। अब इसका आउटलाइन का कलर हम चेंज कर देंगे, ग्रीन कर देते हैं। ये हमारा सेफ जोन हो जाएगा। ये खाली गाइडलाइन के लिए रखा है, ये दोनों हम निकाल देंगे बाद में प्रिंट में देने से पहले। ठीक है, जब हम PDF बनाएंगे तो इसको निकाल देंगे। वर्ड में आप सेव करके रखिए, बाकी आपके कभी भी बाद में चेंज करना हुआ तो ईजी रह जाएगा। और जब आप PDF बना रहे हो, उसके पहले आप इसको आउटलाइन को निकाल देना। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी कैसे करेंगे। पहले डिज़ाइन हम बना लेते हैं। अब इसमें हम एक और बॉक्स इंसर्ट करेंगे। चले जाएंगे इंसर्ट पर, शेप्स में जाएंगे, और यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाला शेप ड्रॉ कर लेते हैं। बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना बाहर निकल जाएगा वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ये देखिए, ऑटोमेटिकली वो अंदर चला गया है। देखिए, यहाँ से ऐसे हम इसको किसी भी साइड में रख सकते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा वो ऑटोमेटिकली बाहर का कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं रोटेट। तो इस पर सेलेक्ट करेंगे इसको, और रोटेट पर क्लिक करेंगे। अलाइन के नीचे देखोगे आप, रोटेट का बटन मिल जाएगा। इसको फ्लिप करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ऐसे फ्लिप हो जाएगा। इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, और इसका कलर जो है कर देंगे चेंज। इस पहले इसकी आउटलाइन को निकाल लेते हैं, नो आउटलाइन, और इसका कलर जो है थोड़ा सा इसमें भी टेक्स्चर फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट टेक्स्चर फिल करते हैं इसमें। ठीक है, अब इस पर क्लिक करके करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे राइट साइड में, तो ये बन जाएगा डुप्लीकेट। अब इसका कलर हम कर देंगे चेंज। अभी ये दोनों सेलेक्टेड है, एक को हम निकाल देंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर देंगे, एक निकल जाएगा। फॉर्मेट के टैब पे चले जाएंगे, ड्राइंग टूल्स के फॉर्मेट पर जाएंगे, और इसमें हम इसका कलर जो है चेंज करेंगे। टेक्सचर पर चले जाएंगे, इसमें थोड़ा सा डार्क टेक्सचर दे देंगे। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये टेक्सचर डार्क कर देते हैं, और ये वाला टेक्सचर जो है लाइट कर देते हैं। इसमें हमारा टेक्स्ट मैटर आना है, तो टेक्स्ट जो है दिखना चाहिए, तो उसके पिछले हम यहाँ पे लाइट टेक्सचर रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे अपने मैटर्स। उसके पहले हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, चले जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट पर, यहाँ पर कलर मिल जाएगा। कलर में थोड़ा सा सेचुरेशन इसका बढ़ा देते हैं, तो इस तरीके से कलर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना लोगो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर, और लोगो
फोल्डर यहाँ मैंने बना रखा है, इस पर अपना लोगो ले लेते हैं और इसको कर लेंगे फ्रंट में। ठीक है, ये जो है टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आपको फॉर्मेट टैब पर मिल जाएगा यहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये कर देना आपको। तो उससे क्या होगा, ये फ्रंट में आ जाएगा और मूवेबल हो जाएगा, आप कहीं भी इसको मूव करके रख सकते हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगे। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे क्या दिख नहीं रहा है तो इसके पीछे हम एक और शेप डाल देंगे। तो मैं यहाँ से ये वाला शेप ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से ड्रॉ और इसको एक बैक कर देता हूँ, वन स्टेप बैक कर देता हूँ और इसका कलर जो है चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन से मैच हो जाए। थोड़ा इसका हाइट कम कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेता हूँ ऊपर की साइड में वर्टिकली ताकि यहाँ से जो है ये डिज़ाइन इसमें टच ना हो। और इसकी आउटलाइन को निकाल देंगे, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये हमारा बन गया। दोनों को शिफ्ट दबा के करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद अलाइन, अलाइन सेंटर, अलाइन, अलाइन मिडल, दिया जाएगा पूरा सेंटर में। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ले लेते हैं यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स कर लेते हैं ड्रॉ छोटा सा और इसका शेप फिल निकाल देंगे और इसके आउटलाइन को भी निकाल देंगे। ठीक है, नो आउटलाइन, और इसमें हम लिखेंगे टेक्स्ट, नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम का फॉन्ट हमने क्या साइज रखा है, 11 का रखा है। ठीक है, इसको 11-12 तक रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखूँगा। इसको कर देता हूँ बोल्ड, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ और अब इसका हम करेंगे डुप्लीकेट, नीचे ड्रैग करेंगे, जितना स्पेस हमने यहाँ से रखा है उतना ही स्पेस हम इसको यहाँ से रखेंगे। ठीक है, इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा और इसमें हम अपना नंबर लिख देते हैं, नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपका जो नंबर है वो आप लिख दीजिएगा। अब इसका फिर से हम एक डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करके छोड़ेंगे, एक डुप्लीकेट बन जाएगा। इसमें हम डाल देंगे ईमेल आईडी, ठीक है। अब इसका हम एक और जल्दी से डुप्लीकेट करेंगे, नीचे ले आते हैं, इसमें हम डालेंगे वेबसाइट, इसका एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसमें हम डाल देंगे एड्रेस और शॉर्ट में डाल रहा हूँ। यहाँ पे हम दो लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे ये छुप गया है तो इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा और ये हो गया हमारा एड्रेस। अब इन दोनों के बीच का गैप हमको कम करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे किसी एक पर क्लिक करके, यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे या इस तरीके से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चले जाएंगे लेआउट में और ये आफ्टर जो 8 लिखा हुआ आ रहा है या आपके यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा होगा डिफ़ॉल्ट में, तो इसको कर देंगे 0, तो ये हमारी स्पेसिंग निकल जाएगी। अब इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा हो रहा है, क्या साइज़ हो रहा है, अभी 9 है, इसको हम 8 कर देंगे, ईमेल को भी 8 कर देंगे और वेबसाइट को भी 8 कर देंगे। ठीक है, 8 का फॉन्ट ठीक होता है, एक अच्छा खासा दिखता है, रीडेबल रहता है, बहुत बड़े बड़े फॉन्ट जो है वो अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि फॉन्ट बड़े ना होने पाए, रीडेबल हो, इतने भी छोटे ना हो कि रीडेबल ही ना हो, तो रीडेबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेपर पर आप अलग अलग साइज़ में फॉन्ट सेट करके प्रिंट निकालिए, विजिटिंग कार्ड प्रिंट में देने से पहले आप एक प्रिंट निकाल के उसको चेक करना कि कैसा प्रिंट में आ रहा है, उसके बाद ही आप उसको प्रिंट में दीजिए। गाइडलाइन को फ्रंट पे लाए, देखिए गाइडलाइन के सब कुछ अंदर ही है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इसको हम नीचे तक रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ज़्यादा टेक्स्ट है, आपका एड्रेस काफ़ी लंबा है तो आप इसको नीचे तक यहाँ तक रख सकते हो, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं आइकन्स, चले जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर में करेंगे, आइकन फोल्डर में जाएंगे,
सबसे पहले हमारा फ़ोन का आइकन है, तो इसको ले लेंगे, इसको कर लेंगे इन फ्रंट। अब इसको कर देंगे थोड़ा छोटा, कार्ड को हम करेंगे थोड़ा जूम ताकि हम यहाँ पे इसको स्पेसिंग के हिसाब से अच्छा से सेट कर पाएँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये सेट हो गया एक। इसको इसका ही डुप्लीकेट करेंगे बिकॉज़ कि हमें सभी आइकन जो है सेम साइज़ में चाहिए। हम इसका ही पहले डुप्लीकेट करते जाएंगे, जितने भी आइकन हमें चाहिए हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। अब इसको हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये पहला हमारा हो गया। दूसरा हम इसको चेंज करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर करेंगे, ऑफलाइन पे जाएंगे, फोल्डर में पहुँच जाएंगे अपने उसी, और यहाँ से हम ले लेंगे ईमेल का, ठीक है। अब यहाँ पे वाइट आ रहा है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट का टैब खुल जाएगा, कलर में चले जाएंगे, सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करेंगे और वाइट पे क्लिक कर देंगे, वाइट निकल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको बिकॉज वाइट की वजह से थोड़ा छोटा हो गया था। थोड़ा एरो की मदद से इसको सेट कर लेंगे ऊपर नीचे करके। स्पेसिंग देखिए, यहाँ से जितना स्पेसिंग हो इतना ही यहाँ से भी हो तो एक अच्छा लगता है। ये पट्टी के अंदर में बीच में सेट हो, अभी भी थोड़ा छोटा लग रहा है इन लोगों से, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा और सेट कर लेते हैं। अब इसमें एड्रेस का डाल देते हैं, डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट का टैब खुल जाएगा, चेंज पिक्चर पर चले जाइए या राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर पर चले जाइए उसी फोल्डर में, और यहाँ पे एड्रेस का आइकन हम डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट का आइकन डालेंगे, डबल क्लिक, चेंज पिक्चर, ऑफलाइन वेबसाइट, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो कार्ड बनके रेडी हो गया है। अब इसकी हम आउटलाइन जो हमने गाइडलाइन रखी है वो निकाल देंगे, दोनों को करेंगे सेलेक्ट और फॉर्मेट के टैब पे जाएंगे, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन कर देंगे। तो हमारा कार्ड जो है बनके हो गया रेडी, इसको कर देंगे सेव और इसकी कर लेंगे एक पीडीएफ की कॉपी सेव, ठीक है। तो कीबोर्ड पर F12 का बटन प्रेस करेंगे, F12 का बटन प्रेस करते ही आपका सेव एज का ये डॉकर खुल जाएगा। अब विजिटिंग कार्ड का नाम दे दीजिए और यहाँ पीडीएफ ले लीजिए और विजिटिंग कार्ड का जो भी नाम आपको रखना है दे दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिए। तो अब ये फाइल जो है बनके हो गई रेडी, तो अब ये फाइल जो है पीडीएफ फाइल रेडी है। अब इसको हम कोरल पर इम्पोर्ट करके देखते हैं कि कैसे रिजल्ट मिलता है। तो हम आ गए कोरल पर, यहाँ से ले लेंगे एक नई फाइल, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे या इस इम्पोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे या तो फाइल पर चले जाएंगे और यहाँ पर इम्पोर्ट का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसी फोल्डर में जाके जहाँ हमने पीडीएफ सेव किया है उस पर डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करके इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट या कर्व जो भी रखना है रख सकते हैं। टेक्स्ट रखेंगे तो आप टेक्स्ट फॉर्म में इम्पोर्ट होगा टेक्स्ट जितना आपने यूज़ किया है। कर्व करेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में इम्पोर्ट होगा, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में रखिए और ओके कर दीजिए। और जैसे ही आपका ये ऐसा आइकन दिखे तो आपको क्लिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कीबोर्ड पर इंटर का बटन प्रेस करना है, ये बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो जाएगा। अब ये पेज का साइज़ जो है, हमारी जो कटिंग मार्क है विजिटिंग कार्ड जो फाइनल कट होकर निकलने वाला है वो साइज़ देना है, तो यहाँ से 92x54 दे देना है कि हमारे पेज का साइज़ जो है सेट हो जाएगा। इसको वायर फ्रेम में करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लीड के साथ में बिल्कुल आपका एकदम प्रॉपर सेट हो गया है। अब ये जब ये प्रिंट होगा मल्टीपल कार्ड्स में, यहाँ से प्रिंट आसानी से हो जाएगा, कटिंग मार्क भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हमने ब्लीड नहीं रखा होता तो क्या होता कि अभी देखिए जैसे हमारे यहाँ पे इसको हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, तो देखिए हमने अगर 92x54 के साइज़ में अपनी अगर डिज़ाइन बनाई होती तो फिर क्या होता कि जब यहाँ से ही कट होता ही है तो आपका जो बाहर का वाइट है वो कार्ड पे आने के चांसेस बढ़ सकते थे। हो सकता कि 1 mm ब्लेड इधर से लग जाए तो ये वाइट इसमें कार्ड में दिखना स्टार्ट हो जाता, जो कि बहुत गंदा लगता है। और अगर हमने इसमें जो ब्लीड रखा है तो ब्लीड होने के साथ साथ क्या होगा कि अब जब हमारा जो ये कटिंग मार्क है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ये कटिंग मार्क है, और जब यहाँ से ये कट होगा तो दोनों साइड में जो कि हमें वही कलर मिल रहा है सेम कलर,
तो ये बिल्कुल कलर पर ही कट हुआ, तो आपका वाइट बिल्कुल भी नहीं आएगा कार्ड में, पूरे कार्ड में प्रॉपर वही टेक्सचर दिखाई पड़ेगा जो हमने बैकग्राउंड पर सेट किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।